नमस्कार साथियों साथियों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सोबरस में। साथियों खेती के साथ साथ पशुपालन भी जो है किसान का एक सहायक धंधा है और किसान जो है इसमें तरह तरह के पशुओं का पालन करता है। इसमें गाय है, भैंस है, असो है, ऊंट है, भेड़ बकरी हैं। तो साथियों ये जो खेती के साथ मिलकर के ये पशु भी एक किसान के घर में एक आय का स्रोत बन जाते हैं और इसी संदर्भ में आज हम राम भगत जी के पास आए हुए हैं कनेली गांव में। राम भगत जी जो कि एक्स सर्विसमैन है, एक्स आर्मी मैन और आर्मी से रिटायर होने के बाद इन्होंने असो पालन का काम शुरू किया है। बड़े नामचीन घोड़े इन्होंने तैयार किए हैं, बहुत अच्छी अच्छी बच्चियाँ इनके घर पर तैयार हुई हैं इनका घोड़ा असो। राम भगत जी क्या नाम था उसका आपके घोड़े का? घोड़े का नाम था राज। इनका जो है इनके हाथ के द्वारा खुद तैयार किया हुआ घोड़ा राज जो कि एक जो है हमारे हरियाणा प्रदेश में चैंपियन बन चुका है। काफ़ी अच्छे इंसान हैं, काफ़ी अच्छे पशुपालक हैं और आज साथियों आपसे इनको मिलवाने का एक उद्देश्य ये है कि ये असो लाइन में सफल हुए हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चे इन्होंने तैयार किए हैं, काफ़ी नाम कमाया है और काफ़ी जो है इन्होंने उन्नति की है। तो साथियों आइए आपको मिलवाते हैं राम भगत जी से। राम भगत जी राम राम। नमस्कार जी। राम भगत जी बताइए कब से और आपकी शुरुआत कैसे हुई? जी आर्मी से रिटायरमेंट होगा था 2000 में। 2000 में? हाँ जी जी जी। तो 2 साल के बाद मैंने पहली घोड़ी ली थी। पहले मेरे दादाजी रखते थे। जी जी जी। तो मेरे फादर ने कभी नहीं रखी। जी जी। तो मैं 2000 में पेंशन आने के बाद मैं पहली घोड़ी ले आता। जी। तो उसके बाद से आज तक मेरे घर पे घोड़ी है, कभी 2000 जाती है। जी जी जी। आप अच्छी तरह जो है ना मतलब आपकी जो घोड़ों को तैयार करके जो है फिर सेल करते हो, काफ़ी आपने पैसा भी कमाया, काफ़ी नाम भी आपने कमाया है। तो राम भगत जी उसके बाद जो आपने जो घोड़ा तैयार किया आपका राज नाम का उसके बारे में बताइए। जी मैं 2 दांत बच्चा लेकर आया था। जी जी जी। तो मैंने मोल लिया था और तो 4 साल में घोड़ा रखा था। जी। तो ये झज्जर में जो अपना फर्स्ट में ये लगी थी प्रदर्शनी लगी थी। हाँ जी हाँ जी। पशुओं की। जी। इसमें फर्स्ट आया था ऑल हरियाणा। हाँ जी जानते हम। हाँ जी। तो उसका उस टाइम 31,000 रुपए इनाम मिला था। और जी उसका सर्टिफिकेट और एक शील्ड मिला। एक मतलब आपको उपहार के तौर में एक शील्ड और जो है ना एक याद के तौर पे एक सर्टिफिकेट मिला था। हाँ और 31,000 रुपये आपको इनाम मिला था। और आपके जो मैंने सुना आपके जो जो घोड़ा था उसकी कीमत भी फिर काफी लगी। घोड़े की कीमत 16 लाख रुपए लगी थी मेरे घर पे। जी 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 जी। नहीं 16 लाख रुपए इनके घोड़े की कीमत लगी थी। काफी मेहनती इंसान है, काफी अच्छे पशु पालते हैं। ये एक जो किसान भाई हैं जो कि खेती के साथ साथ पशु पालते हैं उनके लिए एक अच्छा उदाहरण है। राम भगत जी तो राम भगत जी इसे आपकी जो ये बछेरी है इसके बारे में बताइए, ये कितनी उम्र है, ये कौन क्या इसका खानदान है? लग तो काफी अच्छी रही है। ये जी इसका बाप है फुलमाल लाइन से। फुलमाल लाइन से? फुलमाल लाइन से। हमारा एक भतीजा लगाओ आप हमारे अजीत नंदल जी है। हाँ अजीत वो है ब्रीडर है अच्छे, वो भी बहुत अच्छे ब्रीडर है। और ये घोड़ा उसके पास था शिवराज घोड़ा। शिवराज काफी नामचीन, पूरा भारत में नाम है शिवराज घोड़े का नाम है काफी। उसको 1 करोड़ रुपये भी लगे थे मेले में। जी जी जी। उसने
आठ या नौ बार फर्स्ट आया है जी जी ऑल इंडिया में जी। दो तीन बार तो पुष्पगढ़ आया है, जैसे जोधपुर आया है जी, तो कई बार चैंपियन बना है घोड़ा, तो ये उसकी बेटी है। साथियों आपने कुछ नाम भी रखा हुआ इसका? अभी तक कोई नाम नहीं रखा। ये देखिए, ये एक साधारण आदमी है, कोई चौथलेबाज नहीं है, कोई किसी प्रकार की अभावबाजी वाली बात नहीं है। इन्होंने नाम रखा हुआ बड़े प्रेम से, लेकिन नाम नहीं रखा है। तो साथियों ये बछेरी, जो बच्ची जो आप देख रहे हो रामभग जी, कितनी उम्र इनकी? डेढ़ साल, डेढ़ साल इसकी, तकरीबन 18 महीने की इसकी एज है, और बहुत ही सुंदर बछेरी है। हाइट की भी काफ़ी अच्छी है, कान की बहुत शानदार है, सुंभ की बहुत शानदार है, और काफ़ी जो है राम भगत जी को बच्ची से काफ़ी उम्मीद है कि भाई ये आगे चल के जो है ना घोड़े की नस्ल को काफ़ी सुधारेगी। उम्मीद यही है कि बहुत अच्छी बिल्ड लाइन से, माँ बाप बहुत अच्छे, इसी माँ मेरे पास थी जी जी जी। माँ का परिचय और दो। माँ का परिचय जी शानदार लाइन से है, इसकी शानदार लाइन से, मैंने वहाँ क्या नाम है जोधपुर मेले से खरीदी थी, तूफान लाइन से जी। और इसकी माँ को मेरा एक बहुत अच्छा जानने वाला बठिंडा से नीटा सरदार जी है, बहुत अच्छा बिल्डर है, काफी घोड़े घोड़ी मेरे ख्याल में 200-250 घोड़ी रखता है जी जी जी। तो इसकी माँ ने मेरे लेके कहा था जी 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 जी। देखिए माँ भी काफ़ी अच्छी है, बाप भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे पशुपालक हैं। तो साथियों आपका मैं ज़्यादा समय न लेते हुए जो है मैं राम भगत जी से भी अभी इजाज़त लूँगा। तो राम भगत जी आपको बहुत बहुत आपकी बछेरी के लिए शुभकामना और धन्यवाद।